हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। संग्राम सीरीज के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का थर्ड और लास्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हो सकता है उससे प्रश्न पूछे जाए, अगर नहीं पूछे जाते हैं तो परेशानी का कारण नहीं है, लेकिन अगर उससे प्रश्न संबंधित पूछ लिए जाते हैं तो उत्तर लेखन कैसा होना चाहिए, महज 2 अंक के लिए हमारी रणनीति क्या होगी। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में भी आपने इस चीज को बखूबी जाना था कि वन लाइनर है और 2 नंबर का है तो भी पूर्ण उत्तर लिखना जरूरी है। अगर वो 2 लाइन का है और व्याख्यात्मक प्रश्न है तो भी उत्तर की पूर्णता का होना जरूरी है, ठीक है। हालांकि मैं आपको अंक के प्रश्न में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को बताती हूं, ताकि आप किस तरह उसको सजा कर, किस तरह आप उसको सुधार कर, किस तरह आप उसमें अपने शब्दों को ढालकर उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में 2 नंबर का प्रश्न है, परंतु यहाँ पर शब्द सीमा नहीं दी गई है कि 100 शब्दों में उल्लेख कीजिए, कि 30 शब्द में उल्लेख कीजिए। ऐसा लैंग्वेज पेपर में बहुत ही कम सिचुएशन होती है जब आपको शब्द सीमा दिया जाता है, अदरवाइज यहाँ पर शब्द सीमा दिया नहीं जाता, ठीक है। तो शुरू करते हैं उन्हीं हिस्सों में से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है समन्वित साहित्यिक रेडियो पत्रिका छत्तीसगढ़ी में जो मोर भुइया है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी देना है 2 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का योगदान विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में माना जाता है। उस क्षेत्रीय योगदान में आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसका भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र विशेष में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जितनी हिंदी की समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें एक छत्तीसगढ़ी का विशेष अंक है जो प्रति सप्ताह प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि देशबंधु में मड़ई पत्रिका का, उसी प्रकार पत्रिका में पहट का, इसी प्रकार संगवारी का, इसी प्रकार हरिभूमि में चौपाल का प्रदर्शन जो है वो हर हफ्ते देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति से संबंधित जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनकी छोटी छोटी चीजें उसमें समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से छपती है। तो भूतकाल के समय की बात की जाए, बीते हुए समय की बात की जाए, तो जिस प्रकार आकाशवाणी के माध्यम से प्रत्येक रविवार को भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन जी के द्वारा एक वार्तालाप या मत बातों को अपनी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था, उस कार्यक्रम का नाम था रमन की गोठ। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात का प्रसारण किया जाता था, मोदी जी के मन की बात का प्रसारण रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से। उसी तर्ज पर लोक कला साहित्य और लोक कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आकाशवाणी रायपुर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। उस पत्रिका का नाम क्या है, आपकी मोर भुइया पत्रिका। इसका प्रसारण प्रत्येक मंगलवार को सुबह 8:30 से 9 बजे तक किया जाता है, जिसके अंतर्गत एकल कवि गोष्ठी होती है, ठीक है ना, साहित्यकारों की उसमें इंटरव्यू होते हैं, साहित्यकार की रचनाएं, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति रीति रिवाज धर्म परंपराएं, सभी नृत्य शैली, इसी प्रकार आपकी गायन शैली, इसी प्रकार लोक गाथा, लोक कथा, चुटकुले, कहानियां, सभी को स्थान दिया गया है, जिसकी वजह से यह बहुत तीव्र गति से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोगों को अपने नजदीक लाकर रखता है। इस रेडियो पत्रिका जिसका नाम मोर भुइया है, इसके संपादक रायपुर दूरदर्शन के सदस्य श्याम वर्मा है, जो इस पत्रिका के संपादन का काम कर रहे हैं। तो जितनी डिटेल में मैंने बताई है उतना डिटेल में नहीं लिखना है, केवल आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ी लोक कला साहित्य और लोक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए रायपुर आकाशवाणी के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को एक रेडियो पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मोर भुइया पत्रिका। इसके संपादक श्याम वर्मा जी है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को संवर्धित करने वाले हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पक्ष को स्थान दिया गया है। क्लियर हो गया। अब बारी आती है
छत्तीसगढ़ ही पत्रकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी 2 अंक का है। तब क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पहले 1800 के 89 के समय में एक समाचार पत्रिका का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके राजनंद गांव से किया था और समाचार पत्रिका का नाम था प्रजा हितैषी। इसके बाद 1900 में बिलासपुर पेंड्रा से एक पत्रिका छपी जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र, जिसे छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्रिका कही जाती है और इसके संपादन का काम माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था। स्थानीय परिवेश में रहने वाले साहित्यकारों ने भी, हिंदी साहित्य के जगत के साहित्यकारों ने भी समाचार पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया। वर्तमान समय में अग्रदूत और छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ का मुखपत्र माना जाता है जो पूर्णतः छत्तीसगढ़ी भाषा में है। यहाँ तक कि हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी छत्तीसगढ़ी के अंक जैसे कि देशबंधु में मड़ई पत्रिका, हरिभूमि में चौपाल पत्रिका, पत्रिका में पहट पत्रिका, इसी प्रकार लोकाक्ष के अंतर्गत भी अन्य पत्रिकाओं के प्रवेश में छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता का प्रभाव देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता की अलख जगाने वाली पत्रिकाओं में राजाओं का भी योगदान देखने को मिलता है, जहां रायगढ़ के राजा के द्वारा भी समाचार पत्रिका जो है रायगढ़ से प्रकाशित की जाती थी। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ अंचल के हर एक जिले में स्थानीय पत्रिकाओं में स्थानीय खबरों की अंचल वाली पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, जैसे कटघोरा टाइम्स, कोलबा बालको टाइम्स, ये आपके कोरबा बालको की तरफ से छपने वाली पत्रिका है। दुर्ग से आपकी पहल पत्रिका निकलती है, वर्धमान संदेश अंबिकापुर से निकलती है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं दंडकारण्य समाचार जो बस्तर अंचल से निकाली जाती थी, इस तरह आप वहां छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से उसका आंसर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं मैडम आप इतना ज्यादा बता रहे हो, मैं ज्यादा बार बार बता रही बेटा, ज्यादा इसलिए बता रही हूं ताकि आप वहां पर उसको अच्छे तरीके से लिख सके, ठीक है। छत्तीसगढ़ी विकास भाषा के विकास में आकाशवाणी की भूमिका क्या है? आकाशवाणी जिसका प्रयोग श्रवण के माध्यम से व्यक्ति खबरों को सुनकर महसूस करता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो छत्तीसगढ़ अंचल के अंदर भी आकाशवाणी की पहली शुरुआत रायपुर में की गई थी। इसके बाद अंबिकापुर में आकाशवाणी का केंद्र बनाया गया जिसका जो उसकी जो सीमा थी वो आपके रायपुर में शुरुआत तो हुई थी पर स्थानीय स्टूडियो के तौर पर इसे सिविल लाइन में स्थापित किया गया। वर्तमान समय में ये जो आकाशवाणी है इसका प्रमुख कार्य यह है कि छत्तीसगढ़ ही भाषा के अंतर्गत कृषि से संबंधित चीजें हो, लोक साहित्य से संबंधित पक्ष हो, सारी बातों को छत्तीसगढ़ ही भाषा में वहां पर बताया जाता है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही तीव्र गति से उनके साथ जुड़ती चली आती है। आज वर्तमान समय में आकाशवाणी का प्रयोग न केवल कृषि से संबंधित या लेख लेखाओं से संबंधित है बल्कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से फोक झमाझम जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ लोक रंग कर्म के अंतर्गत फिल्मी संगीतों को, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को भी स्थान दिया था, जिसकी वजह से आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार और प्रसार हुआ। न केवल यह छत्तीसगढ़ के अंदर सुनी जाती है बल्कि इसका प्रयोग और प्रचार प्रसार इतना है कि आज वर्तमान समय में YouTube के माध्यम से इंटरनेट के दौर में इसका प्रचार और प्रसार विश्व के पैमाने पर बड़ी तीव्र गति से प्रसारित हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा किसी 2 छत्तीसगढ़ी नाटक का नाम लिखिए। अब तो बेटा ये डिस्क्रिप्टिव थे, ये तो आपके डिस्क्रिप्टिव थे, जहां पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोला है, यहां भी टिप्पणी लिखने बोला है, यहां आकाशवाणी की भूमिका क्या है बोला है, ठीक है ना। पर यहां कह रहा है खूबचंद बघेल के द्वारा रचित किसी 2 छत्तीसगढ़ी नाटक का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल और इधर बगल में लिख देंगे जैसे कि करम छड़हा, ठीक है ना, उसी प्रकार जनरैल सिंह, ठीक है, इसी प्रकार बेटवा बिहाव, किसान के कर लई, ठीक है ना, अब ऊंच और नीच किसी 2 को लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे डॉक्टर खूब चंद बघेल, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा नाटक लिखे गए उनके नाम में करम छड़हा जनरल सिंह आते हैं, या आप जैसा मैंने बताया वन लाइन के तौर पर भी लिख सकते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रसार में छत्तीसगढ़ी सिनेमा का क्या योगदान है? कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो आप क्या लिखेंगे?
1963 में छत्तीसगढ़ में पहली सिनेमा को जन्म दिया गया, नाम था कही देबे संदेश। थोड़े समय के बाद में यह धन के अभाव में, प्रचार और प्रसार की कमी में सिनेमा जगत में किसी प्रकार का कार्य किया नहीं गया, लेकिन दूसरी फिल्म बनाई गई 1969 में जो थी घर द्वार। इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी आप कह सकते हैं कि आपके मुंबई महानगरी से आपके गायकों के क्षेत्र में से रफी मोहम्मद रफी जी के द्वारा और सुमन कल्याणपुरी जी के द्वारा इसमें गीत गायन का कार्य जो है वो किया गया था। 1969 से लेकर आपके 1995-96 तक कभी इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य किया नहीं गया, लेकिन इसके बाद श्रीचंद सुंदरानी के द्वारा और आपके ऐसा प्रयोग किया गया जो एक वीडियो फिल्म बनी थी जय मां बम्बलेश्वरी। भारत के 26वें राज्य के तौर पर जिस वक्त सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उसके कुछ समय बाद ही छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म आई, नाम था आपका मोर छैया भुइया। आय का रिकॉर्ड तोड़ने वाली, प्रतिदिन 5 शो में चलने वाली यह हमारी सिनेमा थी जो जनता के मन में बस गई। फिर तो यहाँ पर सिनेमा जगत में उभरते हुए निर्देशक और कलाकारों का एक जैसे तांता लग गया। आपके स्थानीय परिवेश और अंचल और लोक कथाओं और छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिवेश को बनाने वाली फिल्म में ब्लॉकबस्टर मूवी के तौर पर झन भूला माँ बापला, ठीक है, इसी प्रकार आपके रघुवीर, ऐसी कुछ फिल्में आई। और वर्तमान समय में इसका पिक्चराइजेशन न केवल छत्तीसगढ़ अंचल के अंदर फिल्मांकन किया जाता है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ अंचल से बाहर भी जाकर फिल्म की शूटिंग की जाती है। बड़ी तीव्र गति से यूट्यूब के माध्यम से डबिंग करके भी दूसरे क्षेत्र के लोग छत्तीसगढ़ ही भाषा की कहानी को सुनते समझते, लेकिन हालांकि छत्तीसगढ़ ही बोली का प्रचार प्रसार की बात है तो यूट्यूब में नए दिन नित हमें छत्तीसगढ़ी अंचल के अंतर्गत की फिल्मा सिन्म फिल्म संगीत और वीडियो फिल्म्स और इसी प्रकार आपके छोटे छोटे आपके ऑडियो एल्बम भी है जो देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी की भाषा के प्रसार में छत्तीसगढ़ी सिनेमा का विशेष योगदान है कि छत्तीसगढ़ अंचल के रंगकर्मी जिनका योगदान छत्तीसगढ़ के रंगमंच में और सिनेमा जगत में है, इनका योगदान ऐसा है कि छत्तीसगढ़ से बाहर भी ये अपना हुनर दिखाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के रंगकर्मी जैसे कि रजनीश झांझी जी कहते हैं कि 4 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने छत्तीसगढ़ रंगमंच पर अपना हुनर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे रंग कर्म से वो छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत में आए और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ ही के अलावा अन्य फिल्मों में, अन्य भाषागत फिल्मों में भी उनका योगदान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ ही भाषा के प्रसार में छत्तीसगढ़ी सिनेमा का क्या योगदान है, तो अब क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ सिनेमा की शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार की शुरुआत थी, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी सिनेमा में क्या खूबी है और किस प्रकार से यह प्रचार और प्रसार कर रहा है, YouTube के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार छत्तीसगढ़ की बोली भाषा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है, यहाँ की कला संस्कृति फिल्म के माध्यम से किस प्रकार लोगों तक पहुंच रही है, इन सारी चीजों को बांध कर आपको 2 नंबर के लिए इसको लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ ही बोली है या भाषा, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ ही बोली है या भाषा, तब क्या लिखेंगे, किसी भी बोली को भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वयं को लिखित रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान करना अनिवार्य होता है। अब तक छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित रूप में दर्ज कराया नहीं गया है, इस वजह से इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार छत्तीसगढ़ी आज भी बोली है, परंतु 28 नवंबर को इसमें विधेयक पारित किए गए थे, इस वजह से इसे राजभाषा बनाने के लिए आयोग में समिति के सदस्यों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा योगदान की वजह से अब वर्तमान में थोड़ी थोड़ी शुरुआत इसमें प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से अर्जी जो लगाई जाती है उसमें छत्तीसगढ़ी के प्रयोग जो है वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा इसे बोली कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर बहुत सटीक होना जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ी बोली पर पड़ने वाले बाह्य प्रभाव को उदाहरण देकर समझाइए।
तो आप क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य जितने राज्य की सीमाओं को छूता है वहां की बोली और भाषा से प्रभावित तो होता है। इस तरह छत्तीसगढ़ जो समुद्री घोड़े की तरह दिखाई देता है, इसका सबसे ज्यादा हिस्सा पूर्व की तरफ से उड़ीसा राज्य को छूता है, जहां उड़िया के साथ भत्री का प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिम की ओर से मराठी और बुंदेली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ अंचल भी हिंदी की तरह अन्य भाषाओं से भी प्रभावित रहा है। छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत मुगल शासकों के आने की वजह से मराठी, आपके मुगल शासकों के आने की वजह से अरबी फारसी का प्रभाव है। यहां तक कि विदेशी हुकूमत की आने की वजह से भी विदेशज शब्द के कुछ शब्द हैं जो अपभ्रंशित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ी बोली पर पड़ने वाले बाह्य प्रभाव में यदि आप मराठी लिख रहे हैं तो आप वहां दो तीन एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि आपका कह सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं भाचा, रक्षा, गोहड़ी, है ना, उसी प्रकार आप कह सकते हैं आपके कर्मकारक सूचक ला, इसी प्रकार उड़िया से बहुवचन प्रत्यय मन, जोहार, इसी प्रकार आप वहां पर रख सकते हैं आपके तत्व में उसके एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि भिंदोल, ठीक है ना, कका, बुढ़वा, लाड़ू, इसका भी प्रभाव रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर विदेश शब्द का प्रभाव बताना है तब कछेरी, तहसील, लगान, खसरा, बंदोबस्त लिख सकते हैं। अंग्रेजी का है तो ऑफिस, टरेन, पाउडर, है ना, भैसलीन, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देकर आप इसे बहुत खूबसूरत ढंग से जो है वो लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली पर बाह्य प्रभाव के उदाहरण अगर हम देना है तो पहले कहां की सीमा है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और प्रचलन है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी भाषा का जन्म अगर हम देखते हैं कि अन्य भाषाओं को अगर वह जन्म देती है तो एक ही गुण स्वभाव होते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत भाषा परिवार की बात की जाए तो जब किसी भाषा से अन्य भाषाओं का जन्म होता है तो उसे भाषा परिवार कहते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनमें हम देखें तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी भाषा परिवार, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने भाषा प्रयोग किए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में चार भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं। पहला लिखेंगे मुंडा भाषा परिवार, दूसरा लिखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा लिखेंगे आर्य भाषा परिवार और चौथा लिखेंगे आपका चीनी तिब्बती परिवार। तो आंसर पूरा क्या लिखेंगे बेटा, आंसर पूरा लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा में चार भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं। पहली भाषा परिवार मुंडा भाषा परिवार, गदबा, खड़िया, कोरकू लिख दिए। द्रविड़ भाषा परिवार दोरली, दंडावी, मुड़िया, माड़िया और आपके कुरुकिया, उराव लिख दिया। आर्य भाषा में आप क्या लिखेंगे, आर्य भाषा में आप लिखेंगे किस तरह, आर्य भाषा में आप लिखेंगे पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से आप क्या लिखेंगे, अवधी और बघेली। ठीक है, साथ ही आर्य गधा पर हरबी और सदरी को भी लिख सकते हैं, चीनी तिब्बती परिवार। ठीक है, तो इतना ज्यादा अगर आप डिटेल नहीं करेंगे, दो दो एग्जाम्पल आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ की दो सीमावर्ती भाषा के प्रभाव को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए एक ही प्रश्न घुमा घुमा के चीजें पूछ रहा है, एक तो उसने पूछा दो सहचरी बहनों के नाम बताइए, एक ने पूछा भगिनियां कौन है, मतलब उन्होंने अवधि बघेली को ही पूछा। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है छत्तीसगढ़ ही बोली पर पड़ने वाले बाह्य प्रभाव को बताइए। अब इसी को क्या कह रहा है, दो सीमावर्ती भाषा, तो दो सीमावर्ती भाषा मतलब कि जितने राज्य को छू रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ की दो सीमावर्ती भाषा के प्रभाव, इसको लिखना तो क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य पश्चिम की तरफ से किसे प्रभावित है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पश्चिम से मराठी व बुंदेली, पश्चिम से मराठी व बुंदेली। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल डाल देंगे, जैसे कि गोहड़ी, रक्षा, है ना, उसी प्रकार खूब कहते हैं, कर्मकारक सूचक ला कहते हैं, मामा भाचा कहते हैं, है ना, ये हमारे लिए मराठी का भेकुण कहते हैं, ये मराठी के शब्द है। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं आप यहां से आपके पूर्व से उड़िया,
पूर्व से उड़िया। अब उड़िया में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि भिंदोल, कका, बुढ़वा, लाड़ू, बिहाव, है ना, बेंगचा, है ना, कोढ़िया, इसी प्रकार आप कह सकते हैं, जैसे जोहार, है ना, बहुवचन प्रत्यय मन, इसी प्रकार आप क्या कह सकते हैं, आदर सूचक के तौर पर, संबोधन के तौर पर गो का प्रयोग करते हैं, ये आपके सीमावर्ती प्रभाव। तो पश्चिम से मराठी, पूर्व से उड़िया। इसके अलावा अगर आप चाहें, इसके अलावा आप चाहें तो दक्षिण से गौड़ का प्रभाव है, इसी प्रकार उत्तर पूर्व से बिहार की भोजपुरी का प्रभाव, तब वहां पर क्या लिख सकते हैं, हमर, कौन, कोकर, जउन, तउन, अतेक, ओतेक, ऐसन, वैसन, या आपके बिहार की भोजपुरी का प्रभाव है, ठीक है ना, इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब कहे है छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली क्या है, तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली क्या है, कोसली है। क्यों है कि कौशल राज्य होने की वजह से इसकी प्राचीन बोली क्या मानी जाती है, कोसली मानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली कोसली है, ठीक है, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, इसको वन लाइनर है तो पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम लिखिए। अब छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ था, ठीक है ना, तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ था। भारत की आर्य भाषा को तीन भाग में बांटा गया, यानी कि यहां पर हमारी प्राचीन आर्य भाषा है, ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी कौन, मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है ना, प्राचीन आर्य भाषा और ये है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। इसके अलावा तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारे लिए आपका कौन सा भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। अब बात यहाँ पर किसकी हो रही है, छत्तीसगढ़ी की, ना कि हिंदी की। ऐसी सिचुएशन में हम क्या जानेंगे कि भारत की प्राचीन आर्य भाषा क्या थी, संस्कृत। इस संस्कृत के कितने रूप थे, एक था हमारे लिए वैदिक और एक था हमारे लिए लौकिक। इसी वैदिक और लौकिक का एक मिश्रण था जो पूरी तरह से ना तो वैदिक ना लौकिक, यानी कि स्वयं के द्वारा कृत थी। वैदिक लौकिक के मिश्रण से एक ऐसी भाषा का उद्भव हुआ जो स्वयं के द्वारा कृत थी, जिसे कहा जाता है प्राकृत। इस प्राकृत का पहला रूप मानी जाती है आपकी पाली भाषा को, और प्राकृत के बाद में इसकी सात प्रकार की अपभ्रंश की शाखा देखने को मिलती है। इसी अपभ्रंश में पश्चिम की ओर थी हमारे लिए आपकी शौर सैनी, ठीक है ना, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, राजस्थानी, ये आपकी पश्चिम की तरफ शौर सैनी थी। पूर्व की तरफ थी हमारे लिए मागधी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला कहकर। और तीसरा था कि पश्चिमी आपकी शौर सैनी और पूर्व मागधी के बीच का क्षेत्र था जो कहलाई हमारे लिए अर्ध मागधी। और इसी अर्ध मागधी में दो सहचरी बहने अवधी जो मध्यकाल की साहित्यिक भाषा बनी, दूसरी थी हमारे लिए आपकी बघेली जो बघेलखंड क्षेत्र में थी, और तीसरी थी हमारी छत्तीसगढ़ी। इसमें से ही अगर विकास क्रम पूछेगा तब क्या लिखेंगे, संस्कृत, फिर लिखेंगे आप पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी, और अर्धमागधी के बाद लिखेंगे आप पूर्वी हिंदी, ठीक है ना, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप लिखेंगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा संस्कृत, फिर हो जाएगा पाली, फिर हो जाएगा हमारे लिए प्राकृत, ठीक है ना, फिर हो जाएगा हमारे लिए आपका अपभ्रंश, ठीक है ना, अपभ्रंश के बाद में अर्ध मागधी, ठीक है ना, इसी अर्ध मागधी से जन्म हुआ किसका, पूर्वी हिंदी का, और पूर्वी हिंदी में ही तीन बोली है आपकी बघेली, अवधी और आपकी छत्तीसगढ़ी। तो इस आधार पर इसका विकास क्रम क्या होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी और आपकी आ जाती है छत्तीसगढ़ी, ये इसका विकास क्रम कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको उसी रूप में लिखेंगे, जैसे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, पूर्वी हिंदी है, देन आपकी अवधी बघेली के साथ छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब कह रहा है छत्तीसगढ़ी बोली का जन्म किस आर्य भाषा से हुआ है, अब फिर यही प्रश्न आपको पूछ रहा है विकास क्रम से संबंधित, तो किस आर्य भाषा से हुआ है, इसका जन्म किससे हुआ है,
आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ी बोली का जन्म किस आर्य भाषा से हुआ है, तो आप लिखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है ना। और अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ आपका, पूर्वी हिंदी का, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, छत्तीसगढ़ी बोली का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी से हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है अगला, ठीक। अब यहाँ पर फिर से ट्रांसलेशन होगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हिंदी का सेंटेंस था जिसको छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करना था, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ी का सेंटेंस है जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करना था। लास्ट में क्या था, हिंदी से आपको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद था, अब यहाँ छत्तीसगढ़ी में दिया है जिसको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे डोहड़ी ह छतरागे और कहर महर महमहागे, आपको मालूम होगा कि डोहड़ी हम किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में कली को कहते हैं। छतराना मतलब भी खिलना, बिखर जाना, औ का मतलब होता है और, ठीक है ना। कहर महर का मतलब होता है खुशबू, महमहाना का मतलब होता है महकना। तो क्या कहेंगे, कली खिल गई और खुशबू बिखरने लगी, ठीक है। सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पार, ये हमारी राजभाषा जो राजगीत है ना उससे लिया गया, ये एक पंक्ति है ना, छत्तीसगढ़ी राजगीत है, उन्हें आपके अरपा पैरी के धार उससे लिया गया पंक्ति है। सोहे, सोहे का मतलब होता है शोभित होना, है ना, शोभायमान होना। बिंदिया सही, सही का मतलब होता है समान, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते ना पटेल सही खेत, मतलब उनके साथ में लगा हुआ, उसके समान, ठीक है ना। इसी प्रकार घाट और डोंगरी मतलब जो छोटी पहाड़ी होती है, और पहाड़ जो बड़े रूप का होता है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में क्या कह रहे हैं, सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, मतलब कि छत्तीसगढ़ के जो घाट छोटी पहाड़ी और पहाड़ है वो इस छत्तीसगढ़ महतारी की बिंदिया के समान शोभायमान हो रही है, ठीक है ना। तरिया के घटौंदा तीर बड़े बड़े मछली तौरत है, तरिया का मतलब होता है हमारे लिए तालाब, घटौंदा का मतलब होता है घाट, तीर का मतलब होता है समीप, है ना, बड़े बड़े का मतलब है बड़ी बड़ी, मछली का मतलब है मछली से मतलब है मछली, तौरत है मतलब तैर रही है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तालाब के घाट के किनारे या तालाब के घाट के समीप बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत कभी हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखिए मैंने क्या बताया, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसकी लेखन पद्धति क्या होगी, मतलब दो नंबर के लिए जो मैंने बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया है, आप कोशिश करेंगे कि उसे आप बहुत ही सटीक ढंग से लेखन करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो पूछा जा रहा प्रश्न है उसकी आपको खूबसूरती उस दो अंक के माध्यम से आपको प्रदान कर दी जाए। तो अब तक क्या पाया आपने, अब तक ये पाया कि छत्तीसगढ़ी के अंदर आप देख रहे होंगे तो यहाँ 50 नंबर के प्रश्न में मान के चलिए 25 से लेकर 28 नंबर तक का प्रश्न केवल व्याकरण से है, यानी कि वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, शब्दकोश अगर कह लीजिए, इसी प्रकार संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेलियां कह लीजिए, तो 28 नंबर तक का, कभी कभी 30 नंबर का। तो मान के चलिए कि 25 से आपको 30 नंबर का प्रश्न है जो केवल आपके व्याकरण खंड से पूछा जाता है। कभी यह आपके आपके विकल्प के तौर वाले प्रश्न होंगे जैसे हिंदी में होते हैं, या तो कभी वो एक अंक लाइन में लिखने वाला उत्तर होगा, जैसे कि लइका पढ़त है में काल पहचानिए, ठीक है ना, लइका किस प्रकार की संज्ञा है, ऐसे आपके उत्तर पर उत्तर लेखन पूरा होना जरूरी है। बचे हुए हिस्से जो आपके 20 नंबर के हैं, इस 20 नंबर के हिस्से में मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 10 अंक यानी कि 6 से 8 या 10 अंक छत्तीसगढ़ साहित्यकार और उनकी रचनाएं से है, साथ ही आपके 10 नंबर के जो अंक हैं उसमें कभी ट्रांसलेशन वर्क है, तो कभी आपके दो दो नंबर वाले प्रश्न है साहित्य खंड से पूछे जाते हैं। अगर कहता है छत्तीसगढ़ रंगमंच में आपका हबीब तनवीर के योगदान को निरूपित कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत लोक कला साहित्य को पहचानने के बाद रंगकर्मी
जो हबीब तनवीर थे उन्होंने यहाँ के लोक नाट्य कर्म को पहचाना और यहाँ रंगमंच पर काम करने वाले व्यक्तियों को लेकर उन्होंने एक नए थिएटर की स्थापना की, जहाँ छत्तीसगढ़ के रंग कर्मियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ अंचल की लोक कला संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति प्रचारित और प्रसारित हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वहां पर उसका उत्तर पूरा लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। कभी कभी अंक बढ़ा दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए कि 25 से 27, 28 अगर व्याकरण है तो बचे हुए 23 नंबर के प्रश्न छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों से संबंधित, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा लिपि राजभाषा आयोग से संबंधित, छत्तीसगढ़ के साहित्य से संबंधित और साथ ही छत्तीसगढ़ के रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को लेकर चलता है। तो इस आधार पर मैंने आपको व्यक्तियों के माध्यम से आपकी छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसकी उत्तर लेखन शैली क्या होनी चाहिए, एक नंबर का है तो कैसे लिखना है, व्याकरण है तो कैसे लिखना है और व्याख्यात्मक प्रश्न है तो कैसे लिखना है। हालांकि आज के लेक्चर में हर प्रश्न को दो नंबर का तो है जरूर, पर मैंने उसे 4 से 5 नंबर के बराबर आपको इसलिए बताया है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि विस्तृत रूप में अगर हम किसी चीज को जानते हैं तो उसका हम संक्षिप्त रूप से है जो अपनी पूर्णता के साथ में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरी एक कोशिश रही कि 150 नंबर जो मुख्य प्रश्न पत्र में दो भाषा को लेकर है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी और तृतीय भाग में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ी, दोनों लेक्चर वीडियो मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिए गए। उम्मीद करती हूँ कि आपके परीक्षा के लिए ये पूरी तरह से कामगार साबित होंगे। मेरा मार्गदर्शन अगर आपके परीक्षा में आपको सफलता देता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। साथ ही संस्थान हमेशा अपने बच्चों के लिए आगे जुड़ा रहता है, हमेशा बच्चों के हित में नित प्रति नए नए कोई भी कार्यक्रम या नई नई योजना लेकर आता है। इसके लिए आपको हमेशा हमसे बने रहना होगा, लगातार बने रहना होगा, ताकि आप हर प्रकार की जो संस्थान आपके चीजों के आपके लिए लेकर आ रहा है उन सभी से आप जो है वो जुड़ सके। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।